एक ऐसा स्कूल जहां सरस्वती के मंदिर में जाने से पहले छात्र माता मंदिर और भोले बाबा के मंदिर में माथा टेक कर सलामती की प्रार्थना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल का भवन इतना जर्जर है कि छात्रों और शिक्षकों को हमेशा डर रहता है कि कब छत उनके ऊपर गिर जाएगी। हमेशा अनहोनी का डर सताता रहता है। जी हाँ, सुनना थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ऐसा ही हाल है मटिहानी प्रखंड के राजकीय कृत उच्च विद्यालय सिंघमा का। ये विद्यालय 1971 में सामाजिक स्तर पर चंदा करके बनाया गया था। बिहार सरकार की ओर से 1978 में इस स्कूल को स्वीकृति दी गई थी। स्कूल में घंटी बजने के साथ ही छात्र छात्राएं स्कूल में प्रवेश करते ही परिसर में बने माता रानी के दरबार में माथा टेक कर प्रार्थना कर स्कूल में दाखिल होते हैं। ये हाल राजकीय कृत उच्च विद्यालय सिंघमा का है। स्कूल कई साल से जर्जर बना हुआ है। क्लासरूम की छत टूटकर गिरने लगी है। कई जगह दीवारों में दरार है तो कई जगह फूट फूट कर दीवार गिर रही है। अब छात्र छात्राएं इस स्कूल में पढ़ने जाने से डरते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर स्कूल का भवन जर्जर है। जगह जगह छत क्षतिग्रस्त है और प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हों या शिक्षक, हमेशा डर के साए में रहते हैं। मन में डर लगा रहता है कि स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के दौरान स्कूल की छत या दीवारें न गिर जाए और कोई अनहोनी का शिकार न हो जाए। इस वजह से यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं स्कूल से लौटते वक्त यही सोचते हैं कि चलो आज बच गए। बच्चों ने बताया कि हमेशा डर बना रहता है, स्कूल जा रहे हैं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर स्कूल में दाखिल होते हैं और फिर पढ़ाई करके घर वापस लौटते हैं। माथा टेक के आई हो, क्या उद्देश्य इसका? मेरा घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर हो, जब भी स्कूल पढ़ने आते हैं तो माथा टेक के आते हैं। काहे कि स्कूल का छत टूटा फूटा है, इसीलिए मेरे जान पे खतरा ना हो, सुरक्षित घर जा सके, इसीलिए मंदिर पे माथा टेक के आती हूँ, डेली टेक के आते हैं। क्या प्रार्थना में क्या? प्रार्थना में यही मांगते हैं कि मेरे जान पे कोई खतरा ना हो और हम सब सुरक्षित घर जा सके। हम स्कूल आते, स्कूल हो या घर, जहाँ भी जाते हैं पहले मंदिर में प्रणाम करते। मेरा उद्देश्य यह है कि मेरा स्कूल पूरी तरह से टूटा फूटा है। हम स्कूल आते तो हर हमेशा मेरा यह भय बना रहता है कि कहीं तो मंदिर कहीं से टूट फूट ना जाए, गिर ना जाए, किसी को चोट लग ना जाए। मेरा उद्देश्य यह है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्कूल ठीक ढंग से चले और समय बद हम घर जाए। इसके वजह से भगवान से प्रार्थना करते कि मेरा स्कूल कुछ, मेरे स्कूल पे कुछ हो ना और हम भी घर सुरक्षित पहुंच सके। यही मेरा उद्देश्य रहता है मंदिर में माथा टेकने का। मेरे मंदिर में माथा टेकने में जब भी स्कूल आता हूँ या रेगुलर आता हूँ और परीक्षा देने जब भी आता हूँ तो स्कूल में भगवान के मंदिर के पास माथा टेक कर ही स्कूल प्रवेश करता हूँ। मेरा स्कूल मंदिर में माथा टेकने का यह उद्देश्य है कि मेरा स्कूल का जो छत है बंजर हो चुका है, गिरने का संभावना हर हमेशा बना रहता है, इसीलिए मैं माँ के मंदिर में जाता हूँ और माथा टेक कर तब स्कूल में प्रवेश करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है स्कूल के सुरक्षा के लिए। माथा मतलब मंदिर जो है, स्कूल जो है हर हमेशा गिरने का भय बना रहता है, इसी कारण मैं माता के मंदिर में माथा टेक कर स्कूल में प्रवेश करता हूँ। सर, इसका कारण यह है कि मेरे स्कूल में राजकीय उच्च विद्यालय में पहले तो मैं सर पढ़ता हूँ और मेरा यह कारण है कि स्कूल का छत जो है लर्जर है, वह कभी भी टूट कर गिर सकता है। इसी कारण है कि मैं मंदिर में माथा टेक कर नित्यदिन पढ़ने के लिए आता हूँ, क्योंकि स्कूल का छत जो है बहुत ही लर्जर है, वह कभी भी गिर सकता है। हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हम पढ़ के घर लौट जाएं और सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि मेरा स्कूल जल्द से जल्द मरम्मत कर दे, सही सलामत बना दे। उद्देश्य यही है कि हम मेरा स्कूल का छत पूरा टूट गया है जिससे झड़ता है और गिरता है। माता से ही प्रार्थना करते हैं कि हम पढ़ के घर चले जाएं सही सलामत। स्कूल भवन के जर्जर होने का डर सिर्फ छात्र छात्राओं को नहीं है, टीचरों को भी हमेशा डर सताता रहता है। उन्हें लगता है कहीं उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। टीचरों ने बताया कि भवन काफी पुराना है और लगातार जर्जर होता जा रहा है। जर्जर इतना हो गया है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर शिक्षा विभाग और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। स्कूल की प्रधानाचार्य कुमारी अभिलाषा ने बताया कि कई बार शिक्षा विभाग को इसकी लिखित सूचना भी दे दी गई है, स्कूल भवन की मरम्मत कराई जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। थोड़ी बहुत मरम्मत हो जाती है, लेकिन स्कूल की हालत जस की तस बनी हुई है और पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। शिक्षक कहते हैं कि बच्चों में हमेशा डर बना रहता है, वो मंदिर में प्रार्थना कर ही स्कूल में पढ़ने आते हैं। बिहार सरकार शिक्षा में सुधार के लाख दावे करती है, बजट भी दिया जाता है, लेकिन जो नजारा उच्च विद्यालय सिंघमा का है,
उससे सरकार की शिक्षा विभाग की व्यवस्था की पोल जरूर खुलती है। शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग ने इस विद्यालय के नव निर्माण की दिशा में कोई पहल अब तक नहीं की है। सबसे बड़ी बात है कि ये स्कूल 60 वर्ष पुरानी है और जर्जर स्थिति में है। बच्चे क्या कहते हैं, जब स्कूल प्रवेश करते हैं तो दुर्गा माता से प्रार्थना करते हैं कि हम स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं और मेरा जीवन जो है सही सलामत रहे, क्योंकि स्कूल किसी समय धराशायी हो सकता है और बीच बीच में स्कूल क्या कहते हैं छत गिरते रहता है। इसी डर से बच्चे क्या कहते हैं पहले मंदिर जाते हैं और तब सरस्वती के मंदिर में आते हैं। बच्चों के मन में भय है, डर है कि क्या कहते हैं स्कूल गिर जाएगा और हम क्या कहते हैं कभी भी मेरा जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए दुर्गा माता से प्रार्थना करता है कि सरस्वती के मंदिर में जा रहे हैं और हे दुर्गा माता हमारा क्या कहते हैं जीवन बचेगा तभी तो हम पढ़ेंगे। इसलिए सरकार से ये आग्रह है कि सरस्वती के मंदिर पर ध्यान दे ताकि बच्चे सही सलामत क्या कहते हैं पढ़ के स्कूल से जाए। देखिए प्रार्थना करने का उद्देश्य तो अलग है, लेकिन यहाँ क्या है विद्यालय का भवन जो है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जब तब छत जो है ढह ढह के गिरते रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे जो है पढ़ने के बदले छत की ओर निहारते रहते हैं, शिक्षक भी हमेशा भयाक्रांत रहते हैं। चूँकि जब तब शिक्षक के की भी सिर पर यह टूटा हुआ छत का टुकड़ा गिरा है तो बच्चे ऐसे में पढ़ने का माहौल जो है प्रार्थना जो करते हैं बच्चे उनका उद्देश्य है कि हम सुरक्षित यहाँ आए हैं तो सुरक्षित वापस फिर अपने घर चले जाएं। कारण है जो बच्चे के मन में एक भय है, डर है, बिल्डिंग जर्जर है तो बच्चे के मन में डर है जो कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए, हम सुरक्षित जाएं घर या लौट कर नहीं, इसलिए वो अपना दुर्गा माँ से मना लेता है मैं सुरक्षित रहूँ और घर भी सुरक्षित पहुँचूँ, जिसके कारण वो पहले मंदिर में प्रणाम करता है फिर विद्यालय आता है। और विद्यालय की स्थिति बहुत दिनों से, जब से हम 13 में यहाँ आए हैं 2013 में, स्कूल की जो है बिल्डिंग सब जर्जर अवस्था में है। हम लोग के भी मन में एक डर है, भय है, फिर नौकरी है तो आना ही पड़ता है, लेकिन स्थिति बहुत जर्जर है। हम लोग जो है रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से जो जल्द से जितना जल्दी हो सके इस बिल्डिंग का निर्माण कराएं। कई बार हम लोग दे चुके हैं अपने सूचना विभाग को, कई विभाग को दे चुके हैं पर अभी तक कोई इस पर अमल नहीं किए हैं बिल्डिंग के बारे में। बच्चे लोग हम लोग को भी शिकायत करते हैं, देखिए मैडम यहाँ छत गिर गया टूट के। हाँ एक बार ये घटना हुई है, बहुत बड़ा सा चट्टान सीढ़ी पर गिर गया जिसके कारण बच्चे लोग जो है BOCO आए विजिट करने, बच्चे लोग उनका घेराव किया, तालाबंदी किया, बोला हम लोग नहीं क्लास करेंगे ना आप लोग को विद्यालय प्रांगण में घुसने देंगे, जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा हम लोग हड़ताल में रहेंगे। इस तरह से बच्चे लोग बहुत किया पर आश्वासन वो लोग दे दिए पर फिर कोई इस पर ध्यान नहीं दिए। वही डर है मन में, कहीं बिल्डिंग जर्जर है तो गिर भी सकता है। कई बार ऐसी घटना घटी है, कुछ दिन पहले शामहो में इसी तरह जर्जर बिल्डिंग में सीढ़ी गिर गया, कई बच्चे दब के मर गए। इसलिए बच्चे के मन में डर है तो कहीं गिर जाएगा हम सुरक्षित रह पाए या नहीं, इसलिए मंदिर में दर्शन करके फिर विद्यालय आता है। NBT ऑनलाइन के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट।